प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा राजीव परवेज। जैसे कि मैंने पहले ड्रीम में आपको बताया है कि किस तरह से प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया, पर उस वक्त भी मैंने संसारिक बातों में फंसी रही और मैंने उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मुझे वो पहले वाला ड्रीम आया कि ऐसे एक लैंप गांव में घूम रहा है, तो अगले दिन ही फिर से मुझे ड्रीम आया जैसे कि 10-12 पास्टर मेरे घर के अंदर बैठकर खाना खा रहे हैं और मेरी माँ सर्व कर रही है। तो मैंने देखा कि मैं वहाँ दरवाजे पे खड़ी हूँ और मेरे आगे 20-25 बुज़ुर्ग लोग हैं और सब ने पगड़ी और धोती और कुर्ता पहना हुआ है और सफ़ेद रंग के सब ने, सब वाइट कलर के ये कपड़े पहने हुए हैं सब ने, और वो मेरे सामने बेडों पे लेटे हुए हैं और मैं उनको वचन सुना रही हूँ कि प्रभु यीशु के लिए अपने रास्ते सीधे करो, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। तो जब मैं उनको ऐसे वचन दे रही हूँ कि पश्चाताप करो, पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं रहेगा इस दुनिया में, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब अपने रास्ते सीधे करो, प्रभु यीशु मसीह दुनिया का न्याय करने बहुत जल्द आ रहे हैं। जब मैं ऐसे करके उनको वचन दे रही थी तो इतने में मैंने देखा कि वो लालटेन फिर से हमारे ऐसे ही घरों में घूम रही है, ऊपर घरों पर घूम रही है। और मैं अपने मन में देखा, मैंने कहा कल भी मुझे ये लालटेन दिखी है और आज फिर से ये लालटेन मुझे फिर से दिख रही है, तो ये ऐसा क्यों है। जब मैं ऐसा कह रही हूँ तो हमारे घर में ऐसे दीवार के साथ एक डेंग का पेड़ था जो नीम्स के जैसा ही होता है, तो वो पेड़ था। तो मैंने देखा कि वो जो लालटेन है, वो लैम्प है, वो ऐसे आकर वहाँ जो नीम का पेड़ है उसके वहाँ पर नीचे गिरता है और क्रूस के रूप में गिरता है, लेकिन वहाँ वो जगह नहीं जलाता। तो मैंने क्या किया, एक स्टिक ली और उस स्टिक से मैंने वो चारों तरफ उसके बॉन्ड ऐसे लाइन मारी और मैंने सबको कहा कि कोई भी यहाँ पर जुत्ती लेकर नहीं आएगा, ये परमेश्वर की जगह है, ये पवित्र जगह है। जब मैं उनको ऐसा कह रही हूँ तो इतने में मैंने देखा कि हमारा जो गेट है वहाँ से एक आदमी अंदर आया, वो बहुत लंबा और उसने पूरा एक चोगा पहना हुआ है, सैंडल पहने हुए हैं और उसके शरीर से इतनी रोशनी ऐसे शाइनिंग हो रही है, उसके बाल सुनहरी एकदम चमक रहे, उसके फेस पे इतना ग्लो था, इतना ज़्यादा चमक थी। और जैसे कि वो ऐसे अंदर आया और जहाँ पर मैंने लाइन लगाई कि कोई यहाँ जुत्ती लेके नहीं आएगा, तो मैंने देखा कि वो जो आदमी अंदर आया है वो उसने वहाँ पर सैंडल एक साइड उतारे और घुटने टेक कर और हाथ ऊपर करके और प्रार्थना करी उस जगह पर, और प्रार्थना करके मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे ही ये उठेंगे तो मैं उनको कहूँगी कि आप प्रभु आप हमारे घर से खाना खा कर जाएँ, ऐसे मत जाएँ। तो जैसे ही वो प्रार्थना करके उठे और वहाँ से ऐसे वापस जा रहे थे, तो मैंने देखा कि जब वो वापस जा रहे तो मैं बोल रही, हेलो आप कौन हैं, मेरे घर में बिना खाना खाए कैसे जा रहे हैं, आप खाना खा के मेरे घर से जाइए। तो जब मैं ऐसे चला रही तो फिर भी चुपके से चले जा रहे हैं। तो मैंने अपनी, मेरी माँ मेरे पास खड़ी थी, वो पास्टर को पानी दे रही थी उस घड़े से, तो मैंने देखा मेरी माँ ने, मैंने माँ से बोला, माँ ये कौन है जो बिना खाना खाए हमारे घर से जा रहा है, आप इनको रोकिए। तो इतने में एक पास्टर अंदर से उठ के आया और उसने मेरी पीठ पर हाथ मार के कहा, बेटा ये जीजस थे। तो इस तरह से जब ऐसे हो गए फिर मुझे बड़ा फील हुआ, मैंने बोला कि कल भी मुझे इसी तरह से सपना, आज फिर से खुदा ने मुझे इस तरह से ड्रीम दिखाया। मैंने फिर से सुबह उठकर अपने पापा को कहा, पापा मुझे आज फिर से वैसे ही ड्रीम आया और उसमें इस तरह से दिखा। तो मेरे पापा ने बोला कि ये तो बड़े अजीबोगरीब सपने हैं, तू पास्टर से इसके बारे में क्लियर कर कि क्यों सपने आ रहे हैं, उन्हें मीनिंग पता है, नहीं तो तू ऐसा कर कि फीबा दर्पण राजस्थान और जीजस कॉल्स के वहाँ लेटर लिख और उनको बता कि ऐसे से करके मुझे क्यों ऐसे ड्रीम आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है पापा। मैंने सभी के पास लेटर लिखे और सब के मुझे जब मैसेज आए, सब के रिप्लाई आए, तो सब में लिखा हुआ था कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, वो तुमसे सेवकाई चाहता है, तुम खुदा के लिए काम करो। मैंने बोला कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फिर भी मैं इतनी इन सब बातों को इग्नोर करती रही और मैं फिर भी खुदा से दूर रही। मेरे पास्टर कहते रहे कि जब भी पास्टर मेरे घर आए, मैंने उनको भी बताया कि वीरपाल भैया इस तरह से करके मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है, क्यों ऐसे आ रहे हैं। तो पास्टर ने भी मेरे यही कहा कि प्रभु की योजना तुम्हारे लिए ये है कि वो चाहता है कि तुम उसकी सेवकाई करो, उसके वचन को दुनिया तक पहुँचाओ, तुम
दुनिया को बताओ जाके कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। तो उन्होंने फिर मुझे इंसिस्ट किया कि आप बपतिस्मा लो। तो मैंने बोला मैं बपतिस्मा नहीं लूँगी बिल्कुल भी, मुझे क्रिश्चियन लोग अच्छे नहीं लगते। तो फिर भी इतना मीन्स खुदा ने दिखाया, फिर भी मैं खुदा से दूर रही और बहुत टाइम तक मैं खुदा से ही दूर रही हूँ। मैंने ये सब बातों को फिर भी इग्नोर किया, किस तरह से प्रभु मेरे जीवन में काम करता जा रहा था। और ये सच्चाई है, मेरे पापा और माँ इस बात के गवाह हैं कि जब वो हमारे घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मेरे पापा लोग वहाँ थे, वहाँ कोई लाइट का कोई साधन नहीं था, फिर भी उस सड़क से, उस गेट से लेके उस डैंक तक पूरी एक रोशनी की सड़क थी। पापा कहते इतनी रोशनी थी कि जैसे कोई सुई भी गिर जाए तो वो भी मिल जाए। उन्होंने रात को दो दो ढाई ढाई बजे उठ के सब जगह देखा कि ये रोशनी आ कहाँ से रही है, इतनी ज़्यादा रोशनी कहाँ से आती है। तो उन्होंने इधर उधर सब के देखे, किसी के बल्ब की रोशनी तो नहीं, कि चांद की रोशनी तो नहीं, पर उन्हें कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया। तब उन्होंने माना ये बात है कि जो आशा को ड्रीम आया था वो ये है कि प्रभु की उपस्थिति इस घर पर है, इस जगह पे है। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से करके आज भी ये सच है, प्रभु का वाकई में हमारे घर में उपस्थिति है। और प्रभु ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी। हम सब भाई बहनों को स्टैंड किया, मेरे मामा पापा बहुत अच्छे हैं, पापा तो अब नहीं रहे लेकिन फिर भी प्रभु की गोद में मेरे पापा हैं। उन्होंने हमें बचपन से ही खुदा के एक एक वचन को हमें बताया और हमें सही रास्ते पे चलाया। पर हम ही लोग संसारिक बातों में इतने फंस चुके थे कि हम लोगों ने अपने रास्ते लिए, लेकिन प्रभु ने हमें फिर भी कभी नहीं छोड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आज यही चाहती हूँ कि हर एक जन प्रभु के पास आ जाए। प्रभु के इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा भगवान नहीं, कोई दूसरा देवी देवता नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह है, परमेश्वर है, जिसने इस सृष्टि की संरचना की, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने इस आकाश को बनाया, जिसने पहाड़ों को बनाया, समुद्रों को बनाया, नदियों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया। सिर्फ वही एक परमेश्वर है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। तो हमें उस परमेश्वर की जो उसकी योजना है उसे पूरा करना चाहिए। और मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज प्रभु के हर एक शब्द को जो वो मुझसे कहता है उसे मैं पूरा करूँ। मेरे तीसरी वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर मुझे किस तरह से स्वर्ग लेकर गया। आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक कीजिएगा। मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, पर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो शब्द, ये जो वचन, जो ये मैं अपना ड्रीम्स जो प्रभु ने मुझे दिखाए हैं वो मैं दुनिया तक पहुँचा सकूँ। प्लीज़ सब अपने आप को संभालिए, पता नहीं प्रभु यीशु किस टाइम आ जाए। वो कहता है प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, सोते ना रहो, पता नहीं किस वक्त प्रभु यीशु आ जाए। वो कहते हैं चोर की मानिंद आएंगे, जब वो अपने पवित्र लोगों को, धर्मी लोगों को उठाएंगे जो उस आत्मा में उसके साथ हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको वो चोर की तरह आकर उठा ले जाएगा। पीछे संसार, शैतानी लोग रह जाएंगे, शैतान के लोग रह जाएंगे, शैतान उन्हें भरमाएगा और उन्हें सताएगा। फिर उन्हें महसूस होगा कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर हैं। तो इसलिए शैतान से बचिए, उस अंधकार की गंदी शक्ति से बचिए और उस अधलोक से बचिए जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। आप प्लीज़ सब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। प्लीज़ प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको अपनी आगे की आने वाली वीडियो में ये सब बातें बताऊंगी कि किस तरह से इतने ज़्यादा प्रभु ने, इतने ज़्यादा मुझे प्रभु ने ड्रीम्स दिखाए। शायद आप लोग सोचोगे कि प्रभु को कोई नहीं देख सकता, मुझे नहीं पता कि देख सकते कि नहीं, पर मैंने प्रभु को अपने ड्रीम्स में देखा, मैंने बात की है, मैंने पुकारा है प्रभु को। इसलिए मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, पर मैं कहती हूँ प्रभु ने मेरे लिए अपना बेशकीमती खून बहाया। तो उस पर मैं विश्वास करती हूँ कि वही परमेश्वर का इकलौता बेटा, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, वही एक है जो इस दुनिया का न्याय करने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। हमें अपने गुनाहों से पश्चाताप करना चाहिए,
प्रभु का धन्यवाद हो। प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।